हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माँ बेटी के पकवान। एक नई किरण नए में नादे के साथ मैं चाहता हूँ। मैं एक बार फिर आपका माँ बेटी के पकवान इस्तकबाल करती हूँ। तो जी, अभी मैं जा रही थी बाज़ार कुछ सौदा वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मम्मा की तबीयत नहीं थी, जिसकी वजह से मम्मा नहीं जा रही है मार्केट, जिस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तभी मैं जाती हूँ नीचे और मैं कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आती हूँ, जैसे कि मुझे लाने हैं अंडे, लाने हैं मिकाल के लिए, सीड लेग लाने हैं और कप केक लेकर आने हैं। तो ठीक है, मैं नीचे जाती हूँ और फिर सौदा लेकर आती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। तभी मैं जा रही हूँ जी 7th फ्लोर पर। ये शायद मैं सीढ़ियों से ही चली जाती हूँ। ठीक है जी, अभी मैं यहाँ पर से नीचे उतर रही हूँ। मैं कुछ सौदा वगैरह ले लेती और फिर आपसे मिलती हूँ। और आज मैं 8 मंजिल अकेले आई सीढ़ियों से चढ़ के। जी, फिर मैं बाहर से जो है सौदा वगैरह लेकर घर आ गई थी, और घर आकर मैंने सैंडविच बनाया है, ये मायोनीज और अंडे वाला सैंडविच। ये मम्मा के लिए भी यही बनाया। मम्मा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र अदा, बहुत बेहतर है पहले से। आप सुनाओ, ठीक ठाक हो? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके लिए मैंने यही बनाया है जो अपने लिए बनाया है, और बस इसके साथ मम्मा की चाय है और मेरा जूस है। तब हम यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। मम्मा, आप अपना बहुत ख्याल रखें। बल पड़ा था मेरी ना, ये बैग असली की हड्डी के पास ये इस साइड पे ना बल पड़ा था, पर शुक्र है अल्लाह का बहुत बेहतर है। रखल तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, अब अल्लाह का शुक्र है। मम्मा कह रही है मेरे हाथ पर जो है ना बल पड़ा था, कल पड़ा था बल, मगर आज थोड़ा सा बेहतर है, शुक्र है। और इंशाल्लाह आगे और बेहतर हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और कल से आप वापस अपनी रूटीन पे आ जाएंगे, झाड़ू लगाएंगे मम्मा। है मम्मा, आप घर में अपने काम में भी संभालेंगी और मैं अपने काम संभालूंगी। तो अभी हम यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी, यहाँ पर अभी हम खा रहे हैं बिरयानी, और मम्मा बिरयानी लेकर आई थी नीचे से, तभी मैं वो खा रही हूँ। और मैंने साइड पर जो अभी टमाटर और प्याज काट रही थी, रात में अंडा मिला बनाना है, और मम्मा ने करी जब बनाई थी तो वो रखी हुई थी, तो वो हमने फ्रीजर से निकाल लिया, एक बाउल मम्मा ने रख दिया था पहले। तो फिर अब हम डिनर आज का हमारा यही है कि करी और अंडा घोटाला हम खाएंगे, और इससे पहले मैं यहाँ पर बिरयानी खा लूँगी। मेरा बहुत मन कर रहा था बिरयानी खाने का, और मम्मा जाकर बिरयानी लेकर आई है, तो यहाँ पर हम बिरयानी खा लेते हैं और फिर बाद में आपसे बाकी बातें करती हूँ, क्योंकि बिरयानी के सामने कुछ भी नहीं बात होती। जी, यहाँ पर हमारी लाइट चली गई है, और हमारी लाइट गई थी कोई 4:30 पे, 15 मिनट हुए हमारी लाइट गए हुए, और घर में अंधेरा हो रहा है, कोई कोई कमरे में रोशनी भी है, और मम्मा भी गैलरी में मिसाइल को लेकर बैठी हुई हैं। और आज का व्लॉग कुछ खास तो नहीं बना, मगर थोड़ा सा ही बना है आज का व्लॉग, ज़्यादा भी नहीं बना, मुझे जितना ही बना आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अभी से ही, तब आगे जो होता है हम आपको बताते हैं। और हमारी लाइट आएगी अब 6:10 पे, जो कि इसका टाइम तो वो है, मगर जब आएगी तब मैं आपको बताऊँगी। तो जी, यहाँ पर मैंने रोटियाँ वगैरह बना ली हैं, और ये वो दस्तरखान है जो कि मैं नीचे से लेकर आई थी, और ये काफ़ी अच्छा सा कपड़ा है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, बस ये देखिए इसके साइड पर से कैसे धागे निकल रहे हैं, बस ये इसमें प्रॉब्लम है, वरना तो ये दस्तरखान बहुत अच्छा लगा है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना दी हैं और इनको पैक करके भी रख दिया है, और हॉट पॉट कर देते हैं बंद।
तो यहाँ पर रोटियाँ वगैरह बन चुकी हैं और अब मैं जा रही हूँ अंडे घोटाले के बनाने की तरफ। तो जी अब इधर मैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं बना रही हूँ अंडा घोटाला, तो इसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज ले थी और उसको कुछ चॉप कर लिया है। और ये देखें कुछ इस तरीके से मैंने इसको चॉप किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने दो टमाटर ले लिए, छोटे ही थे, उनके छिलके उतार के उसको ऐसे काट लिया है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं ऑयल के बाद जो है, और उसमें है एक हरी मिर्च नहीं सॉरी प्याज डाल दी, और उसमें एक अदद हरी मिर्च डाली, हरी मिर्च ही नहीं डाली, बस एक डाली हरी मिर्च। और बताइए क्या हुआ, बनाते बनाते मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि जो है लाल मिर्चें जो है याद ही नहीं रह रहा कि लाल मिर्चें लेकर आनी है, और मम्मा कह रही हैं इस वजह से अभी बाहर भी जाने का ज़रा मन नहीं है, तो इसलिए अभी मम्मा कह रही हैं कि घर में से काली मिर्चों में बनाओ बेटा। और मैं काली मिर्च मैंने कभी नहीं इसको बनाया, मैं हमेशा इसको लाल मिर्च में बनाती हूँ, और आज मुझे इसको काली मिर्च में बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं इसकी कैसी बनती है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है पैन के बाद, और इसमें जो है हरी मिर्ची डाल दी है, प्याज डाल दी है, और अब मैं इसको इस तरीके से फ्राई तो नहीं कहेंगे मगर सौते ज़रूर कहेंगे, सौते कर लेती हूँ प्याज को। और फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी एक चम्मच। आप अगर मैं जो आपको प्रेफर करती हूँ ना, तो आप उसमें लहसुन और अदरक को उसी वक्त जो है चॉप्ड करके डालें, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो अभी मैं कर ली थी, मेरी प्याज साइड पर से लग रही है, ठीक है। तो जिसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और अभी इसका सौते कर लिया है अच्छे तरीके लहसुन का पेस्ट के साथ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर से लिया हुआ है, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक डालूंगी और काली मिर्चों का पाउडर डालूंगी सिर्फ अभी, और उसके अच्छे तरीके से टमाटरों को पीसने दूंगी, और फिर बाद में जो करती हूँ आपको बाद में दिखाऊंगी। टमाटर इसमें काली मिर्चों का पाउडर मैंने डाल दिया, और अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी और टमाटर को पीसने के लिए रख दूंगी ढककर। इधर बाबा ऑफिस से आ गई और मम्मा की कल इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए बाबा मम्मा के लिए ढेर सारा फ्रूट लेकर आए, मम्मा सेहत बनाए सेहत वही बनाए, मगर मम्मा ये आपका नाम है, खाएंगे सारे मिलके। अदा ये बहुत कम आता है और बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, मीठे बोलते हैं, इन्हें मीठे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते वैसे हैं? वैसे वो लोग समझ रहे होंगे ये वो है, वो बड़े वाले वो होते हैं ना नींबू लेमन, वो लेमन नहीं लाइम, मीठे लाइम नहीं, ये मीठे हैं। आप और लोग क्या बोलते थोड़ी देर रखते हैं ना तो कड़वे हो जाते हैं, साथ साथ खाते हैं और साथ साथ चूसते हैं। अच्छा एक मम्मा वो वाला फ्रूट भी होता है ना, वो जो कसैला कसैल जापानी फल, हाँ जापानी फल, वो भी जो है ना वो बहुत कसैला सा होता है उससे, मगर ये वाला भी थोड़ा सा बेहतर होता है। ये बाबा मैंगो लेकर आए और ये रहे अभी हम इन सब चीज़ों को धो के फ्रिज में रख देते हैं, जहाँ पर मम्मा गर्म कर रही हैं करी। बिल्कुल जो उस दिन बनाई थी वो मैंने फ्रीजर में रख दी थी, और ये और टेस्टी हो गई होगी अदा। हाँ जी। तो जी यहाँ पर मैं काट रही हूँ आम आम काट रही हूँ, मैंगो काट रही हूँ यहाँ पर मैं, तो ये रहे मैंगो की छिलके। और यहाँ पर मैंने कुछ जूस बनाने के लिए रखा हुआ है, मगर अभी भैया दूती पकड़ लेने के लिए जाएंगे तो फिर जूस बनेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ काट के रखे, मैं और मम्मा जो है आम को वैसे ही काट के खाते हैं, कांटे से ज़्यादा पसंद, वैसे मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, मम्मा कभी कभी जूस पी लेते हैं, मगर मैं ज़्यादा शौक से जूस नहीं पीती, वो आम को काट के खाने में ही मज़ा है कांटे से, तो मैं वही खाती हूँ। तो यहाँ पर ये रहे आम कट रहे हैं, यहाँ पर जूस के लिए मैंगो का पल्प बन चुका है, बस अब इसमें दूध डालना और ग्राइंड होना और मैंगो चाहे जूस बन जाएगा। तो ठीक है जी, अब हम यहाँ पर ये मैं समेट वमेट लेती हूँ अच्छे तरीके से, और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी इसी के साथ साथ आज की वीडियो का भी इसी के साथ एंड करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ, खा रही हूँ मैंगो, और ये रहा जूस जो कि मैंने बनाया। और आप लोग सोच रहे होंगे हल्का हल्का ऑरेंज शेड में जा रहा है, और ये ऑरेंज शेड में क्यों जा रहा है, क्योंकि जो है ना ये मैं ऐसे ही पी रही थी जब जूस, तो मुझे ये कोई इतना ख़ास फ्लेवर नहीं लगा, क्योंकि मैंगो का अभी एंड चल रहा है, इस वजह से मैंगो को इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं आ रहे उसमें, ज़्यादा मतलब बाल वाले आम आ रहे थे, बहुत सारे बाल थे, देखिए इसमें भी काफ़ी सारे नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, तो कुछ इस तरीके के मैंगो आ रहे हैं। और इसमें जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा थे, कि आम के जूस को पहले छाना अच्छे तरीके से और फिर पिया, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें कोई ख़ास टेस्टिंग था तो मैंने मैंगो फ्लेवर का टैंग लिया और उसका एक चम्मच इसमें डाल दिया, और अब मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मगर बाबा को कोई इतना ख़ास फ्लेवर नहीं लग रहा अभी भी, बट मुझे यमी लग रहा है, तो मैंने इसको ट्राई किया। आप लोग भी इसको ट्राई करके बताइएगा कि कैसा लगता है आप लोगों को मैंगो जूस, या जो सा भी जूस है उसके अंदर कोई उसी का फ्लेवर पाउडर डाल दें आप, और उसको मिक्स करके आप लोग उसको टेस्ट कीजिएगा, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लगता है। तो जी ये रहा ये, और ये रहा निकाल का न्यू फीडर ये बीबी का नया फीडर, और ये हम जल्दी ये वाला फीडर भी खोलेंगे। तो ठीक है जी, यहाँ पर मैंगो और ये रहा जूस, और इसी के साथ अच्छी वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पैरों में खलियाँ भरी हुई यार, क्योंकि सुबह में सीढ़ियों से उतर के गए थे नीचे, क्योंकि लिफ्ट का इंतज़ार अभी कहाँ करते, लिफ्ट अभी बहुत नीचे थी और बहुत देर लगती लिफ्ट के आने में, इस वजह से मैं सीढ़ियों से उतर के चली गई,
और मेरी टांग के दुख रहे हैं, मेरे पैरों में खलियाँ भरी हुई हैं और मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो ठीक है, बहरहाल मेरी गलती है ये, तो मैं मुझे लिफ्ट का इंतज़ार करना चाहिए था। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।